स्किल्स बिल्ड करना, सीखना, ये माइंडसेट होना चाहिए। आप जो कोई भी काम कर रहे, एक्टिविटी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या, इसमें से आप क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो, राइट? यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो, काम करते वक्त सीख रहे हो, और अगर किसी के कारोबार में कोई हेल्प कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है उसमें उसमें भी सीख रहे हो। तो लर्निंग इज द की फोकस फॉर द फ्यू ईयर्स ऑफ दिस लाइफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम योर होस्ट बीनेश आरजू, वेलकम टू करियर कैंप। अच्छा, एक और मैं आपसे जो क्वेश्चन करूँगी वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो यूजुअली आपको जो आजकल चल रहा होता है और उस पर मतलब कहते हैं कि भाई आप इसमें जाओ बच्चों को, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ इन ट्रेंड या फिर वो डिमांड में होता है, तो दैट इज़ वाई वो देखते हैं मार्केट में। बट मैं आपसे पूछूँगी कि आपको मतलब अपने पेरेंट्स के जो है, अगर आप एक्सपीरियंस देखें कि आप को आपके पेरेंट्स ने किस तरह से गाइड किया था, एंड व्हाट यू थिंक दैट पेरेंट्स, व्हाट पार्ट शुड दे प्ले इन अ चाइल्ड्स करियर चॉइस, क्योंकि इट्स अ लाइफ टाइम चॉइस। और वो फिर ये वाली अब बात है कि जो आप सिलेक्ट कर लेते हो एंड यू हैव टू स्टिक टू इट एंड बी ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे आपने भी बात की थी, तो उसका आप मुझे प्लीज बताएं। आई थिंक मेरे पेरेंट्स लाइक मोस्ट ऑफ द देसी पेरेंट्स, उनकी एक आई थिंक इंटरनल ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन उन्होंने कभी, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने कभी मुझे एक दो दफा कहा था शायद कि हमारी ये ख्वाहिश है, लेकिन हमारा डिसीजन ये तुम्हारा डिसीजन है, राइट? तो देन और मैं बायोलॉजी और लाइफ साइंस में बहुत बुरा था, अभी भी हूँ बहुत बुरा था, तो ये मेरे से होना ही था, तो थैंक गॉड उन्होंने मुझे कभी इस बात पे फोर्स नहीं किया। लेकिन लेकिन ऑन द पॉजिटिव पॉजिटिव नोट, मैं शुरू से बहुत ज्यादा कोई एम्बिशियस नहीं था, तो मेरा था कि अच्छा यूनिवर्सिटी के बाद ना, और सॉरी अपने ए लेवल्स के बाद मैं पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी में जाऊँ, नस्ट में जाऊँ, तो नस्ट मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी उस वक्त। तो लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे काफी मोटिवेट किया था कि यार तू पढ़ाई में ठीक ठाक है, तू पार नंबर अच्छे आते हैं तेरे, तो तू कहीं और कोशिश कर, कहीं और पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर, तेरे हो जाएगा मुझे लगता है। तो वो पहले इंसान था जिन्होंने मुझे कहा था, राइट? कैसे, तो दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग कि अच्छा यार कि मुझे खुद पे अपने आप इतना यकीन नहीं है जितना मेरे अब्बू को मेरे पे है, तो दिस इज वेरी या इट्स वेरी एम्पावरिंग मे बी ट्राई कर ले। उससे पहले कभी मुझे ख्याल भी नहीं आया कभी कि पाकिस्तान अच्छा से बाहर जाना है, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर वो मुझे ऐसे मेरे पे इतना यकीन ना करते, इतना मोटिवेट ना करते या इतना इनकरेज ना करते, तो शायद मैं कभी भी स्टेप ना लेता। और उनके कहने से काफी जारी बात है, फादर है तो उनके कहने का बात में काफी वजन होता है, इट मैटर्स व्हाट ही सेज, व्हाट ही थिंक्स, इट मैटर्स एज वेल। तो इसलिए आई थिंक दैट्स व्हेन आई टुक द फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइक ओके going to Hong Kong and applying to Hong Kong universities fairly, and then it admission ho gaya, then everything worked out, aur phir main chala gaya, and uske baad I think ek mere so mere parents ko ne na slowly overall they pehle to education se related ya phir career se related na decisions mere pe chhod diye ke acha theek hai ye tumhara decision hai, tum lo, and jo bhi ho, pass ho ya fail ho, like हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम अपने तुमने खुद देना है डिसीजन। और आई थिंक उसके बाद उस ये एक एक फेज आता है जिसमें स्लोली वो ना लोगों के डिसीजंस, बच्चों को अपने डिसीजंस खुद देने चाहिए, और एजुकेशन से लेकर करियर से लेकर ये एक अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि उनको अपनी क्यूरियोसिटीज के बारे में सबसे अच्छा उन्हें ही पता होगा, किसी और को नहीं पता होता, राइट? तो वो एक ये ऐसी जर्नी है जो हर किसी को अपनी खुद सेल्फ डिस्कवरी करनी है, ये कोई और नहीं बता सकता कि हाँ तुम ये करो या तुम ये करो। तो और इट्स सच अ इम्पोर्टेंट लाइफ लॉन्ग डिसीजन, राइट? कि आपके साथ ये अगले 40 साल आपने यही काम करना है, राइट? तो स्किल आपने यही करना है, एग्जैक्टली, तो पूरी लाइफ यही 40-50 साल, तो एग्जैक्टली, तो इसलिए ये आई थिंक ये डिसीजन खुद लेना और भी ज्यादा जरूरी होता है, और बेशक ये डिसीजन स्लो लो या नहीं, काफी लोग कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। आई थिंक पेरेंट्स को भी ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये टाइम लगता है, इट्स ओके टू हैव अ लेट डिसीजन rather than a wrong decision. तो गलत डिसीजन से बेहतर है कि थोड़ा डिले करके कर लो, बेशक बाद में समझ आए क्या करना है, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है। एंड स्लोली लाइक उससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अच्छा ठीक है मैं ये डिसीजन दे रहा हूँ, एंड पीपल गेट इफ और
आई थिंक उस डिसीजन की वैल्यू बढ़ जाती है अगर आपने खुद लिया हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने आपने डिसीजन लिया तो कौन से आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अब ये नहीं रोना रो सकते कि अच्छा हाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे मजबूरी में करा दिया तो इसलिए मेरी जिंदगी खराब हो गई, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। इट्स योर ओन डिसीजन, तो उससे एक वेट भी बढ़ जाता है डिसीजन का। तो बट पेरेंट्स आई थिंक पेरेंट्स माय पेरेंट्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल रियली। वेरी हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर देम। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, बेशक मैंने सही डिसीजन लिया गलत डिसीजन लिया, उन्होंने मुझे सीखने दिया खुद अच्छा डिसीजन लिया गिर के उठेगा खुद ही सीख लेगा, लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट। अब कई दफा पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं जिससे वो बच्चे शायद इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पा रहे होते, वो फिर वो खुद ये मुश्किल डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, और ये बहुत जरूरी है इवेंचुअली एट सम पॉइंट उन्होंने खुद देने हैं, तो व्हाई नॉट स्टार्ट अर्ली विद स्मॉल डिसीजंस फर्स्ट सो दैट वो ऑलरेडी वो सीख लें, राइट। और हाँ कई दफा डिसीजंस गलत होते हैं, दैट्स नॉर्मल, दैट्स हाउ लाइफ इज, राइट। आप गलत डिसीजन लेते हो लेकिन फिर आप दोबारा आप ट्राई करते हो, स्पेशली फॉर स्मॉलर डिसीजंस इट्स कंप्लीटली फाइन। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट आई थिंक पेरेंट्स काइंड ऑफ एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए उनका एटीट्यूड, टू बी सपोर्टिव एंड लेट देम टेक सम रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा एक और चीज़, जैसे कि हम अगर किसी बच्चे को स्कूल चेंज करना पड़ जाता है या फिर सेमेस्टर ब्रेक लेनी पड़ जाती है, और हमारे छोटे तो भी यही होता था, अगर क्लास रिपीट करनी पड़ गई है या फिर कोई ऐसा सीन हुआ है कि दे हैव टू रिपीट अ क्लास या फिर एक साल मिस हो गया, तो वो फिर बर्थ सर्टिफिकेट पे याद है आपको कि मतलब कुछ दो साल पीछे लिखवाते हैं कि बाद में जाकर डॉक्यूमेंटेशन में इशू ना हो या फिर अप्लाई करना होता है जब आपने आगे फर्दर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू द पॉइंट कि इज इट एक्चुअली नेसेसरी, बाहर ये चीज़ ज़रूरी है या फिर इट्स फाइन, मतलब उसकी वैलिडेशन भी चाहिए होती है ना, पेरेंट्स को भी चाहिए ऑब्वियसली, कि अगर ऐसा होता है बच्चे के साथ बाय एनी चांस दे मिस अ ईयर और सेमेस्टर ब्रेक लेनी पड़ जाती है और दे हैव टू रिपीट अ क्लास, सो एज का तो अब एज का मतलब डू दे लुक फॉर इट या फिर ऐसा कोई वो नहीं रही लिमिट? I guess true. Yeah, I understand. और I think I understand parents की intentions अच्छी होती हैं कि हाँ मेरे हमारे बच्चे का साल वेस्ट ना हो या फिर उसका opportunities मिस ना हो, तो इसलिए वो करते हैं, और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है ये। तो मैं अपने अपने यहाँ पे दोस्तों को बताता हूँ, वो हैरान हो जाते हैं कि इसके पास दो बर्थ सर्टिफिकेट कैसे हैं और मेरे हैं भी तकरीबन 6 महीने अपार्ट, पूरा एक साल भी नहीं है डिफरेंस, 6 महीने का डिफरेंस है, तो वो तो बहुत ही एग्जैक्टली अभी सब वही बच्चे जो है ना ये वाले सारे दो दो साल जवान हैं, हालांकि मतलब बर्थ सर्टिफिकेट पे अभी, लेकिन वो बड़े हो गए हैं ना, तो सबके साथ ये है, इट्स आल्सो माय केस। लेकिन आई थिंक काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि एज से नहीं लिंक्ड होती, लाइक काफी ज्यादा एज पे नहीं लिंक्ड होती, लाइक अब यूनिवर्सिटीज में जाओ तो यूनिवर्सिटीज काफी यूनिवर्सिटी वो नहीं देखती कि हाँ आपके बच्चा 20 साल का, 18 साल का, 17 साल का या 21 साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो और ऐसे ही अब जॉब्स जॉब्स के लिए जाते हो, हाँ वो पाकिस्तान में स्कूल्स में वो एक साल अगर पीछे भी डाल देंगे तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तो जैसे कि अब यूनिवर्सिटी तक भी कुछ नहीं होता, आगे जॉब में चले जाओ वो कुछ नहीं होता, तो इट्स ऑल लाइक काइंड ऑफ द सेम थिंग। बट वही, और इवेंचुअली अगर आपने एक फील्ड में कामयाबी हासिल करनी है तो ज्यादातर वो मैटर नहीं करता कि आप 30 साल में जाके कामयाब हुए थे, 25 साल में जाके कामयाब हुए थे, 35 साल में कामयाब हुए थे, बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि आप उस फील्ड में इवेंचुअली आप जाके एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओ, यू आर एन एक्सपर्ट, हैव अ स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ दैट फील्ड, राइट। वो ज्यादा जरूरी है, वहां पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है, कब पहुंचे हो, लेट पहुंचे हो, देर पहुंचे हो, वो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, वो ज्यादा मैटर नहीं करती। तो दैट्स द थिंग। अच्छा एक और चीज़, मतलब इस पर अभी आई हैव नोटिस कि नाउ डेज पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को जल्दी होती है टू एक्सेल इन एवरीथिंग, लाइक दे हैव टू रीच द फाइनल स्टेज टुडे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक आल्सो ऑन द इंटरनेट, लाइक एवरीवन हैज एक्सेस टू इट, एवरीवन वाचिंग द कंटेंट, जहाँ पे लोग लाइक क्लेम कर रहे हैं कि वी आर अ मिलियनेयर और बिलियनेयर, वी बिकेम अ मिलियनेयर बिलियनेयर बाय 30 या बाय 35, और वो यूट्यूब पे बकायदा वीडियोज़ हैं इस चीज़ की कि आए देखें हम हाउ वी बिकेम अ बिलियनेयर बाय 30, और जो भी एज उन्होंने लिमिट लगाई होती है। आई नो दैट इट्स अ क्लिक बेट, और ज़्यादातर बच्चों को यही पता है कि मतलब लोगों को पता है इट्स अ क्लिक बेट वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ बच्चे ये चीज़ देखे लाइक वो होते भी हैं कि यार ये होना चाहिए और ये, तो मतलब उनको कैसे समझाया जाए कि लाइक इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड यू नो इट टेक्स स्टेप्स, अ फ्यू क्वाइट मोर स्टेप्स देन लाइक आप फॉरन फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच सकते हो, तो लाइक व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या कहोगे? नो नो डेफिनेटली ये जो शॉर्टकट्स, आई मीन आई थिंक इवन माय सिब्लिंग्स आर अंडर दैट ट्रैप, राइट, कि हाँ ये बंदे
ये करो और एक साल में मिलियनेयर बन जाओगे या कि कुछ महीनों में मिलियनेयर बन जाओगे, और ये ट्रैप्स, ये इट्स लाइक ये वही है कि जो इट्स प्रॉब्ली अलॉट ऑफ इट लक, अलॉट ऑफ इट प्रॉबिलिटी, वो 0.001% केसेस में शायद काम कर जाता है। कई दफा वो बिल्कुल फेक नहीं होते, कई दफा बिल्कुल ही फेक होते हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट एज वेल। लेकिन इट्स अबाउट कि आपने आपने आपकी जिंदगी का गोल क्या है, आपका जिंदगी अगर अगर यही गोल है तो मैं लोगों को जनरली कहता हूँ कि अक्सर मसला ये होता है कि लो पीपल डोंट ड्रीम बिग इनफ। सबसे ज्यादा लोगों को रिग्रेट ये होता है कि उन्होंने उनकी उनकी ड्रीम बहुत छोटी थी, दे जस्ट ड्रीम टू लिटिल, राइट? तो इट्स लाइक एंड पीपल पीपल बिलीव ओके हाँ वर्किंग एट गूगल इज अ ड्रीम, राइट? बट व्हाट इफ यू गेट गूगल इन योर 20, व्हेन योर 27 28, देन व्हाट डू यू डू, बाकी जिंदगी क्या करनी है, बस दैट्स इट, यही था, खत्म हो गया। तो वही ना, एंड अगेन अर्निंग लाइक एक मिलियन डॉलर कमाना, आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल ड्रीम टू हैव। लाइक ठीक है, मे बी यू विल गेट देयर, बट द वे यू गेट देयर इज लाइक वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने एक साल में मिलियन डॉलर कमा लिया, फिर आप क्या करोगे उसके बाद? ट्रू दैट्स इट, व्हाट यू डू इन रेस्ट ऑफ लाइफ, वो फुलफिलमेंट या फिर कुछ, आप कुछ कुछ आपने कुछ टैंजिबल नहीं, और वो भी आपने एक शॉर्टकट से कमाया है जिसमें आपके आपने एक्चुअली कोई स्किल बिल्डिंग नहीं हुई, कोई आपने स्किल अप्लाई नहीं की, कुछ आपने यहाँ सीखा नहीं, कुछ वर्ल्ड दुनिया में कुछ छोड़ के नहीं गए, कोई लेगेसी नहीं रही आपकी, कुछ ऐसा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया दुनिया में। तो दैट सीम्स लाइक अ प्रीटी स्मॉल ड्रीम टू बी फेयर। तो इसलिए तो इवन दो अगर वो आपको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है, इट्स नॉट द राइट ड्रीम टू हैव। यू शुड हैव अ मच मोर एलैबोरेट ड्रीम, राइट? ओके ठीक है, मिलियन डॉलर कमाने, पर आई वांट टू यू वॉन्ट टू बी नोन फॉर समथिंग, या एग्जैक्टली हमारी दुनिया आगे मूव हो रही है, एंड इवेंचुअली यू वांट टू से कि अच्छा मैंने इस तरह कंट्रीब्यूट किया है टू इन द प्रोग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज हाउ आई मेड द वर्ल्ड मूव बाय 1 inch सही, in some way, right? So that's what एब्सोल्युटली, you really want to do, right? And वो किया हो फिर 7 million dollar हो तो अच्छा भी लगता है। अगर खाली मिलियन डॉलर आ जाए तो फिर पता कहता है कि अच्छा है, दैट इट्स लाइक इट्स इट डजंट गिव यू दैट समथिंग लाइक दैट। ट्रू, सो एवरीबॉडी हैज, आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की में फाइनेंशियल लिमिटेशन काफी ज्यादा होती है, तो इट्स हार्ड टू रियली इमेजिन दीज एब्स्ट्रैक्ट गोल्स, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल टू हैव, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ये तो है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग वो कर लें और फिर बाद में रिग्रेट करें कि यार काश मैंने कुछ ऐसे ज्यादा कुछ समथिंग काश मैंने कुछ और किया होता जो ज्यादा सब्सटेंशियल होता, जो ज्यादा बेनिफिशियल होता दुनिया के लिए। क्योंकि वो एनर्जी और टाइम तो दोबारा नहीं आएगा ना, जो इस एज में होता है. या अच्छा, एक और चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना, चाहे आपको इंपॉर्टेंट ना लगे, कि मतलब आजकल बड़ी अफवाह चल रही है कि जो ये कंपनीज़ आर नॉट लुकिंग फॉर प्रॉपर डिग्रीज़ और कंप्लीट डिग्रीज़, लाइक आपको 14 ईयर और 16 ईयर जो है वो एजुकेशन या आपको डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट गेट अ डिप्लोमा और आपको जो है बड़ी कंपनीज़ एंड यू आर स्किल्ड इन वन पर्टिकुलर थिंग, लाइक यू आर हाईली स्किल्ड और आपको हायर कर लेती है. तो ऐसी कोई चीज़ है, गूगल में कोई देख रहा है मैं ऐसे कर लूँ तैयारी श्यारी, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है? नहीं, अभी अभी तक मैं ऐसे नहीं मिला लोगों से, तो लेकिन द थिंग इज कि अब इसकी ये कहते ये एक स्टेटमेंट मैंने भी कई दफा सुनी है, राइट? और इस स्टेटमेंट के दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब है कि हाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैटर नहीं करता, आपकी लर्निंग मैटर करती है, यानी आपको किसने पढ़ाया, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, क्यों, किस तरह की डिग्री है मैटर नहीं करता, आपने सीखा क्या वो मैटर करता है, राइट? एक ही मैटर। दूसरा है कि यार यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना करो, बस साइड से छोटा मोटा डिप्लोमा कर लो और बस और भी काफी होगा। तो अभी दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक में है कि आपकी, और आइडियली यही है कि लेबल यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मैटर करता एक्चुअली टेक में, खास आपका क्या, अब कुछ कंपनीज फोकस, अब इसमें कुछ कंपनीज है जो करती हैं, लेकिन अगर एसेंशियली अगर मैं किसी को कभी हायर करूंगा तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा कि उसे क्या आता है, बट उसकी लर्निंग की बार बहुत हाई होगी, लाइक उसे फिर लर्निंग की बार बहुत हाई है। मैं इसका मतलब ये है कि मैं यूनिवर्सिटी के नाम से अज्यूम नहीं करूंगा कि उसने क्या आता है, मैं ये नहीं करूंगा कि बंदे ने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा या एक बंदे ने MIT से पढ़ा है, तो वो डिफरेंट है काफी, ये नहीं अज्यूम करूंगा, मैं प्योरली उनके बारे में करूंगा, अच्छा लेबल्स हटा दो और देखो क्या क्या लर्निंग क्या है इनकी। तो अगर आपको लगता है कि आप यूनिवर्सिटी जाए बगैर आप एक्चुअली बहुत ही सब्सटेंशियल लर्निंग कर सकते हो तो श्योर बाइन, बट उसकी बार काफी हाई है, डोंट फॉरगेट दैट। सो ये नहीं है कि आसान रास्ता नहीं है, इट्स जस्ट कि वो लेबल मैटर नहीं करता। और दूसरा ये कि
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत जो कि ना एक अगेन बहुत जल्दी स्पेसिफिक हो जाते हैं, एक स्किल सीख के उस पर जॉब करने शुरू हो जाते हैं, राइट। एंड ठीक है, शुरू में उसका बड़ा अच्छा बेनिफिट लगता है, क्या मैंने 1 साल का कोर्स किया और अब मैं जॉब मिल गई है, मुझे पैसे आ रहे हैं, माई लाइफ इज हैप्पी नाउ। बट अगले और ये बहुत जल्दी प्लैट्यू कर जाएगा फिर उसके, मीनिंग ग्रोथ बहुत जल्दी प्लैट्यू करेगी क्योंकि आपका स्कोप बहुत नैरो है, आपने बहुत जल्दी बहुत स्कोप नैरो कर लिया है, राइट। तो इनिशियली मैं यही कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, थोड़ा सा ब्रॉड हॉरिजॉन्टली और ब्रेथ में ज्यादा जाओ, लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, ट्राई वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और फिर इवेंचुअली स्लोली यू फाइंड योर नीश एंड यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, श्योर। बट लेकिन शुरू में यू नीड टू लाइक हैव अ वेरी ब्रॉड नॉलेज, तो वो ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप एक आप उठा लो तो वो बहुत जल्दी ही आपका प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि आपने, और स्पेशली 20s शुड बी मोस्टली अबाउट लर्निंग, आई बिलीव हर सारे 20s शुड बी अबाउट लर्निंग। जितने ज्यादा लोग हैं दे अर्न मेजोरिटी ऑफ देयर मनी इन द 30s, हम सब ने मेजोरिटी ऑफ द मनी 30s में कमाया, सो 20s में डोंट इवन ऑप्टिमाइज फॉर मनी, ऑप्टिमाइज फॉर लर्निंग, लर्निंग फॉर करो, एंड 30s में पैसे खुद ही आ जाएंगे। अच्छा, एक और वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस आई हैव फॉर यू इज़ कि अभी मैं हम एआई की बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लाइक नाउ इज एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, और ये जो बात चल रही है कि एआई आएगा और सबकी जो जॉब्स हैं वो हट जाएंगी, एंड एआई विल टेक ओवर द वर्ल्ड। तो मतलब इट माइट साउंड अ सिली क्वेश्चन टू यू, बट मतलब व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? आई नो इससे काफी लोग, बड़ा अच्छा सवाल है ये, आई नो काफी लोग इससे काफी परेशान, कभी कुछ परेशान होते हैं, कुछ लोगों की मोटिवेशन जो दुख में जब होता है, जब लोगों की मोटिवेशन डाउन होती है कि हाँ ये मैं क्यों सीखूं क्योंकि ये मैं कभी इस्तेमाल ही करूंगा और ये एआई नहीं कर हाँ देना काम, जी तो उससे लोग, और खासतौर पर जो लोग हमारे बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो शुरू अभी अभी से ही डिसहार्ट हो जाते हैं, अभी से डिस्करेज हो जाते हैं कि हम हमें कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोडिंग तो अब आगे एआई नहीं करनी है। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कोडिंग और ये से स्किल सीखना इज इमेंसली बेनिफिशियल। कोडिंग आपको एक सरफेस लेवल पे तो आपको कोड करना सिखाती है, बट एट द डीपर लेवल आई थिंक काफी ऐसी और स्किल्स हैं जो कि काफी ऐसी और स्किल्स आ जाती हैं, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। तो कुछ भी सीखते हो, मैं कोडिंग की बात भी नहीं कर रहा, कुछ और भी कुछ भी सीखते हो, तो उसके साथ आप एक्चुअली एसेंशियली प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई छोटे प्रॉब्लम्स हो जिसमें आप सॉफ्ट स्किल्स इस्तेमाल करनी हो, जिसमें आपने नेगोशिएशन स्किल्स इस्तेमाल करनी हो, जिसमें आपने सेल्स स्किल्स इस्तेमाल करनी हो या कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करनी हो, तो वो सारा अलग है, लेकिन रिगार्डलेस आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो, राइट। अब होना ये है कि इवेंचुअली कुछ चीजें आसान हो जाएंगी करनी, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम्स डिफरेंट और ये हमेशा अच्छा होता रहा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन शुरू से होती रही है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले इफ यू गो लाइक व्हाट बिफोर द होल इलेक्ट्रिसिटी और या मोटर इन्वेंशंस, तो लोग होते थे जो कि पानी में बकेट से पानी भर के लाते थे घरों में, राइट। देयर वर पीपल हु उनकी जॉब ही ये थी, तो जॉब अब वो जॉब ही रही, राइट। तो इवेंचुअली इवॉल्व हो गए, नाउ दे प्रोबब्ली डूइंग समथिंग एल्स, सो ये ट्रेंड तो चलता रहेगा, ये होता रहना है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड या उनसे डरने से या कुछ ना करने से बेहतर है कि इसे एम्ब्रेस करो, जो भी नए एआई टूल्स आ रहे हैं उन्हें इस्तेमाल करो अपने वर्क फ्लोज में, अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करो, उनसे देखो कि उनसे आपको क्या बेनिफिट मिलता है क्या नहीं बेनिफिट मिलता, तो आपका नेचुरली वो ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि जो चीज एआई सही कर रहा है वो आप करोगे नहीं तो यू विल नॉट नीड टू डू इट, लेकिन जो चीज एआई नहीं कर पा रहा वो आपको करनी पड़ेगी, एंड यू विल डेवलप दैट स्किल ऑटोमेटिकली। तो आप खुद ही अपने डे टू डे लाइफ में आप वो गैप्स फिल इन करना शुरू कर दोगे, आपकी एक्सपर्टीज उस एरिया में खुद ही ग्रो करना शुरू कर देंगी जिसमें एआई लिमिटेड है या फिर एआई नहीं जो नहीं करता, राइट। तो अब इसे कोलैबोरेशन एआई ऑलमोस्ट नहीं कर सकता, हाँ उसे मैं कह दूंगा अच्छा ये कोड लिख दो या ये आर्टिकल लिख दो, ठीक है वो लिख देगा, एंड दैट्स वेरी गुड, यूज दैट, लेवरेज इट, मेक योरसेल्फ डू मोर थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन जो एआई नहीं कर रहा उसमें फिर आप यू स्टार्ट डूइंग मोर ऑफ दैट। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी, लाइक वन इज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड वन इज़ फॉर पेरेंट्स, लाइक आप उनको क्या सजेशन और 1 मिनट एडवाइस टू ईच देम, लाइक सेपरेटली ईच ऑफ देम, या ओके, फॉर द स्टूडेंट्स मैं उन्हें यही कहूंगा, आई थिंक दो तीन चीजें हैं जो कि उन्हें बहुत ख्याल रखना चाहिए इस वक्त।
उनका टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम लर्निंग पे जाना चाहिए. अब वो अगेन क्या सीखना है दैट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वो डिपेंड करता है. लेकिन स्किल्स बिल्ड करना, सीखना, ये माइंडसेट होना चाहिए. अब जो कोई भी काम कर रहे, एक्टिविटी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए इससे क्या, इसमें से आप क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो, राइट. यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो, काम करते वक्त सीख रहे हो, और अगर किसी के कारोबार में कोई हेल्प कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है उसमें उसमें भी सीख रहे हो. तो लर्निंग इज द की फोकस फॉर द फ्यू इयर्स ऑफ दिस लाइफ. और इसके अलावा आई थिंक चैलेंजेस, अगर कोई मुश्किल डिसीजन आते हैं लाइफ में या फिर मुश्किल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, काम के वक्त मुश्किल मिलते हैं या फिर कोर्सेज कुछ ऐसे आते हैं मुश्किल आते हैं, उनको यू हैव टू एम्ब्रेस इट. क्योंकि ये दिस इज अ कॉमन थीम ऑफ लाइफ. चैलेंजेस आएंगे, अभी भी आएंगे, बाद में भी आएंगे. तो अभी से अगर आप अपनी मसल ट्रेन कर, ब्रेन मसल ट्रेन कर लोगे ना कि चैलेंजेस को, चैलेंज से डरना नहीं है, चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना है और एंड उसको उसको हैंडल करना है, कोई बात नहीं अगर नहीं होता, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. वो तो वैसे भी फेलियर्स होते हैं जिंदगी में, और अभी जितने ज्यादा शुरू में फेलियर्स होंगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, उतना ही ज्यादा फिर इवेंचुअली होगे. इनफैक्ट अगर मैं कहता हूँ कि अगर अपने 20s में जो लोग फेल नहीं हुए चीजों में, इसका मतलब उन्होंने ज्यादा मुश्किल काम नहीं किए, वो आसान काम करते रहे हैं. तो क्योंकि ज्यादा चांसेस पाते हैं वो मुश्किल काम करें, फेल के चांस बढ़ जाते हैं. तो आई मीन दैट मींस यू हैवंट पुश्ड योरसेल्फ टू योर लिमिट्स, यू हैवंट सीन योर लिमिट्स येट. तो दैट्स समथिंग कीप इन माइंड. सो लर्निंग एंड मेकिंग श्योर टू डू हार्ड थिंग्स. ठीक हो गया. अच्छा, द सेकंड इज फॉर पेरेंट्स. I think again, parenting. मैं किसी को parents को parenting नहीं सिखा सकता. I think they are probably much more of an expert than me. मैं बस ये बता सकता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने काफी वैल्यूबल था, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स का एक होता है जनरल मोटिवेशन होती है अपने बच्चों की केयर करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें कुछ ना होने देना, उन्हें अच्छी गाइडेंस देना. लेकिन अब कुछ कुछ केसेस में लेट देम डू थिंग्स, लेट देम फेल, लेट देम उन्हें डायरेक्शन बता दें, गाइडेंस बता दें, बट लाइक लेट देम मेक सम ऑफ द डिसीजंस ऑन देमसेल्फ, लेट देम फेल. Help them get up, or let them get up, and then try again. So it's like you have a supporting role, like they are still driving and they can still make mistakes and go on. And I think I know. आजकल के दौर में और भी मुश्किल हो गया है because of social media and whatnot. Raising kids is a lot harder. So I'm pretty sure you can imagine as a mother as well. So that's even. But like I think just to guide their kids on what's right and what's wrong and what are the things that matter. Just maine students ke liye bataya, learning and doing hard things, these are very important things. Ab wo kaise karte hain, how they implement it, details wo figure out kare. Parents ko just generally aana chahiye ki high level guidelines strong aur sahi dein, and then eventually us implementation student bachon ko khud hi figure out karne de. That's what I would say. अच्छा, मैं आपसे एक अपने क्लास क्वेश्चन पूछूंगी. मुझे याद आ गया मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछना था. या सो द थिंग इज़ कि अभी जैसे हमने बात की है कि डिमांड चेंज होती रहती है, ठीक है, और जैसे पहले कभी पानी उठाने वाला था और अब मतलब फिर जॉब चेंज हो गई और अब फिर AI आ जाएगा, खुद ही आसमान से उठ के पानी आ जाएगा, बारिश का आ जाएगा, जो भी है. बट द थिंग इज़ कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा स्किल है दैट कैन हेल्प एनी वन इन इन any field, like चाहे वो IT में हो, चाहे वो design field में हो, whatever it is, वो उनको help करें. So what is that? I think मैं दो तीन skills तरह के बता सकता हूँ. एक तो है कि solving problems. आप किसी भी करियर में हो, आप टेक में हो, आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. मेडिकल में हो, आप एक डॉक्टर हो और आपका पेशेंट आता है, उसे एक मसला है, you're kind of solving a problem. You need to have the mindset कि ये प्रॉब्लम है और इस तरह इसके सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो. Sometimes that requires simplifying the problem, breaking down the problem into smaller things and eventually solving them one by one. So it can have, uski problem solving ki strategies hoti hai, to agar wo seekh lo to wo in har role mein apply ho sakta hai. And secondly is learning how to learn quicker. ab hamari ek hamara brain hai, usse hum jaise ab gym jate ho to you pick up weights and you train your muscles to pick up weights, right? Aise you need to train your brain to learn. अब वो भी कोई प्रैक्टिस होता है. इसलिए मैं कहता हूँ जितनी मुश्किल चीजें सीखोगे उतना ही आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, उतनी ब्रेन की लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी. तो और किसी भी फील्ड है, क्योंकि मैंने कहा है चीजें इवॉल्व हो रही हैं, तो आपको ऑन द गो लर्निंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है और ये आगे और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा.
तो having the right brain muscles to learn quickly and adapt to the changing environment, वो बहुत जरूरी है, right? And the third thing जो I think बहुत it's also very important is communicating clearly. आप अगर किसी भी टीम में हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन इस तरह हो कि टीम में ज्यादा क्लैरिटी आए, इंस्टेड ऑफ एडिंग कंफ्यूजन, ज्यादा टीम में क्लैरिटी है, क्योंकि वो या टीम्स को बहुत स्लो कर देती है या फिर प्रोसेस रोक देती है. अगर 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 अगर, अगर कोई प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड हो ना, एंड दैट्स हाफ ऑफ योर सॉल्यूशन बेसिकली. मसला ये था कि दफा प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, तो वो तभी होता है अगर आप कम्युनिकेट क्लियरली करो एंड यू ब्रिंग क्लैरिटी टू द टीम. सो आई थिंक दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू कैन एनीवन कैन फोकस ऑन एंड इट विल बी ऑलवेज बी यूजफुल इन योर करियर. थैंक यू सो मच अरसलान फॉर डूइंग दिस, स्पेशली बिकॉज मेरा भी जो है ना दिमाग अब एक्सरसाइज करने लग गया है, बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम यू. और हमने जिन मतलब टिप्स वी हैव गॉट रियली हेल्पफुल टिप्स, और जिन चीज़ों के बारे में हमने बिजनेस से बात की है कि डिग्री होना ज़रूरी है या नहीं होना, बिकॉज यू आर वर्किंग एट गूगल, यू नो जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो और किड्स लुक अप टू इट, यू नो तो ऐसा बंदा कोई मतलब बताए और जेन्युइन हो जाए इन्फॉर्मेशन वगैरह. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई होप कि हमें इन फ्यूचर अगर किसी बच्चे ने कुछ पूछा है या फिर वी गेट एनी इंक्वायरीज सो वी कैन आस्क यू एंड गेट बैक टू देम. सो थैंक यू सो मच, इट वॉज सच अ लवली टॉक, और आई होप दैट वी कैन डू द सेशन अगेन सम टाइम. Oh, thank you. So, okay, he just said that my questions are really good. So, I will specially include that in the interview, that my questions are good. So, I will, most of the questions are like what I get from people around me. So, thanks to them as well, because sare jab aap discuss karte ho ek dusre se, yahi jaise abhi Arsalan se baat ho rahi thi. कि हम जब आपस में बैठते हैं और हम डिस्कस करते हैं ना और प्रॉब्लम्स निकालने की, या फिर हम इंक्वायरी करते हैं, या फिर हम जब खुद किसी के पास जाते हैं और पूछते हैं ना, तो हमें आंसर मिल ही जाता है. तो बेहतर है कि आप सिर्फ अपने दिमाग में सोचने के बजाय एक्शन में आ जाएं, ठीक है, और चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. आई होप दिस इंटरव्यू विल डू सम गुड फॉर यू. सो दैट इज़ वट वी आर ट्राइंग टू डू एट दिस प्लेटफॉर्म. डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब. Also press the bell icon so you can get all the notifications of our new videos. और हम जो content है वो और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और अच्छे जो हैं मतलब सब मतलब honestly the people I've interviewed so far they have done a very genuine job, और उन्होंने सब कुछ जो कुछ किया है वो बड़े दिल से किया है, एंड हमने भी. सो डोंट फर्गेट टू लाइक एंड कॉमेंट. ये जो आप लोगों की अप्रिसिएशन है इट रियली हेल्प्स अस एंड मोटिवेट्स अस कि हम और करते जाएँ ये चीज़. तो थैंक यू सो मच, टिल नेक्स्ट वीडियो डोंट फर्गेट अस, डू वॉच दिस वीडियो एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो. अल्लाह हाफिज़, बाय.